हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम YouTube चैनल आर्ट क्या होता है, उसको कैसे सेटअप करते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, और मोबाइल में कैसे दिखता है, डेस्कटॉप पे कैसे दिखता है, और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। ओके, तो हम अपने YouTube चैनल पे आ जाएंगे। हम YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद जब हम YouTube चैनल पे आएंगे, उसके बाद हम अपने चैनल पे आ जाएंगे, यहाँ पर स्टूडियो में आ जाएंगे या यो चैनल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज चैनल, कस्टमाइज चैनल पर हम क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, डिस्कशन ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, यहाँ से वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, कस्टमाइज चैनल पर अब हम आएंगे। यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक ये आपका लोगो होगा, दूसरा आपका ये पूरा सेक्शन होगा चैनल आर्ट का, और तीसरा यहाँ पर लिंक होगा। देखिए चैनल आर्ट एंड लिंक्स, लिंक के बारे में मैं आपको बाद में बात करूँगा, पहले चैनल आर्ट और लोगो बता दूँ। देखिए ये तो पूरा रहा हमारा चैनल आर्ट, यहाँ पर लोगो, यहाँ पर साइड में हमारी क्या होनी चाहिए, थीमिंग होनी चाहिए। ओके, हम कोशिश करें, देखिए यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल में आपको कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप में आपको कैसा दिखेगा, और लैपटॉप में कैसा दिखेगा। जब हम बनाएंगे चैनल आर्ट को तो इन तीनों का ख्याल रखकर बनाएंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको आर्ट चैनल का डायमेंशन दिखा देता हूँ, कैसा होता है और किस किस में कैसा दिखता है। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए डेस्कटॉप में यहाँ से ये पूरा जाएगा। ओके, टैबलेट में यहाँ से यहाँ आएगा, और मोबाइल में यहाँ से यहाँ आएगा। तो देख लिया आपने। तो हमें ये ख्याल करना है जब भी हम चैनल आर्ट बनाएं तो हमारा ये चीज़ किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मोबाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वी यूज़ मोबाइल अलॉट, क्योंकि हर एक के पास हाथ में मोबाइल है। और जब चैनल यहाँ पर हम बनाएंगे तो हम ख्याल कर रखेंगे, जो आप नया करने जा रहे हैं, या आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या आपका नया कोई कोर्स आ रहा है, ओके, या इस तरह से कोई ऑफर चल रहा है या किसी तरह, तो यहाँ आप लगा दीजिएगा, ताकि उससे जब लोग आपके चैनल पर आएंगे तो उनकी नज़र वहाँ पड़ेगी और वो इजीली खरीद सकते हैं। ओके, नई नई चीज़ें यहाँ पर आप लगाइए। यहाँ पर आपकी साइड में फेसबुक आईडी, सारी आईडीज होना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ से आप लोगों को, ऑडियंस को ला सकते हैं, वो यहाँ पर होना चाहिए साइड में। और हमारा सारा टेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, इसी मोबाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि हम जब पब्लिक आए तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपना टेक्स्ट लिखेंगे तो मोबाइल में ओपन करेंगे, टैबलेट में ओपन करेंगे, तो हमारा यह टेक्स्ट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइज है 25x80x423। अब हमने सीखा कि चैनल आर्ट क्या होता है, उसमें लिंक होती है, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम जाएंगे canva.com पे। ओके, आपको मैं बता देता हूँ कि आप चैनल में canva.com पे जाएंगे तो उसके बाद इसका साइज दे लेंगे 25x60x423। बहुत ही इजी है, लेकिन आप चैनल आर्ट अच्छा बनाइएगा। यहाँ पर देखिए क्रिएट अ डिज़ाइन। ओके, क्रिएट अ डिज़ाइन पे हम आएंगे। यहाँ पर देखिए क्रिएट अ डिज़ाइन, क्रिएट अ डिज़ाइन में हम आएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उस साइज को, या अगर आपको साइज नहीं मालूम है canva.com पे आप आएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बहुत इजी स्टेप है, आपको कुछ करना नहीं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे चैनल आर्ट, और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर YouTube चैनल आर्ट लिखेंगे, देखिए आ गया। ओके, YouTube चैनल आर्ट आ गया, और देख लीजिए यहाँ पर देखिए। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू मोबाइल। ओके, हमारा स्पेस इतना रहेगा, ताकि हमारा जब मोबाइल में आए तो कटे नहीं। ओके, हम ये ले लेंगे। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट है, फोटोज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, वीडियोज़ हैं, बैकग्राउंड है,
आपको जो भी चेंज करना हो आप चेंज कर लीजिए। जैसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चेंज कर लिया। मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर लिया। टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपका चैनल हो, आपकी थीम हो, वो आप लोगों सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ फोटो हम लाएंगे, गैलरी से ला सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी चैनल का साइज क्या होगा, एमबी क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ लोगो लाना है तो आप यहाँ लोगो एडिट कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सीखा इस वीडियो में कि हम चैनल आर्ट क्या होता है, लोगो क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, और हमें चैनल की थीमिंग क्या होती है, और हमें किसके हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हमें चैनल आर्ट बनाना चाहिए। और चैनल आर्ट कहाँ से बनाते हैं, उसके लिए हमने आपको बताया canva.com से। ओके, तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको सिखाएंगे पूरी सीरीज़ यूट्यूब से। चलिए, बाय बाय।